लड़की नहीं मारी और वहाँ मार कर हॉस्पिटल में ले आई अग्रवाल में। कोई इंजेक्शन लगवा दी वहाँ पे, गलती इंजेक्शन लगवा दिया कोई जानबूझ के, सुनील ने इसके हस्बैंड ने, उसकी जो भाभी है आरती उसने, इसके फादर हैं, इसके मेरे मौसा जी हैं जो, उनका भाई एक छोटा, एक उनकी मम्मी, सारे इकट्ठे हैं घर पे, सभी ने मिलकर गलती इंजेक्शन लगवा दिया कोई जानबूझ के कि मतलब इसका कुछ हो जाए इस चक्कर में। वो इंजेक्शन की वजह से मुझे एकदम घुटने से थी, इन्हें जो इंजेक्शन लगवाया है वो सांस बंद करने का इंजेक्शन होता जी, चल पहले शादी होती जी, सनपेड़ा गाँव जी, ये बार बार दे कभी वो मांग रहे थे जी, बार बार कहते थे भाई ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बहुत बार ऐसे फोन आते थे ये नहीं दिया, तभी जब जो हमारा जुगाड़ था सब कुछ दे रहे थे भाई, फिर बार बार ये कहते थे ये नहीं दिया वो नहीं दिया ये नहीं दिया, मतलब कार्रवाई कराएंगे पोस्टमार्टम कराएंगे इसका पहले। ये सुन, ये प्रेगनेंसी का चल रहा था यहाँ से, हाँ जी, और ये सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, सुन सकती थोड़ा बहुत सुन रहे थे जो ज्यादा तेज आवाज करे तो, बाकी बोल नहीं सकती थी। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? ये लड़की नहीं मारी और वहाँ मार कर हॉस्पिटल में ले आई अग्रवाल में। किसने मारा आपकी बेटी को? पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगवाया गांव में जी। किसने? कृष्ण ने, सुनील ने। कौन है कृष्ण? कृष्ण उसका बाप है सुनील के, जिसका ब्याह राखी जो है। कितने साल हो गए? ढाई साल है। किसके साथ शादी हुई आपकी? सुनील जी। कौन से गाँव में? सनपेड़ा जी। तो किसने इंजेक्शन लगवाया आपकी बेटी को? कृष्ण ने, सुनील ने लगवा दी इंजेक्शन। तो आपको कैसे पता चला कि है? यहाँ अग्रवाल में मरने के बाद गए थे सुल्तान मिली मारेगा तो घर व्यक्ति नहीं है जो हॉस्पिटल में। वो क्या कह रहे हैं? इंजेक्शन ला रहा हूँ पता करो जी, पता हम गुंगी लड़की मारी, बोल नहीं सका जी, ना फोन कर सका जी, हमारे पास इतना फोन नहीं करा ना हम बुलाए जी, कोई सूचना नहीं दी, बीमार है गुंगी लड़की ना वो फोन कर सकती थी, हमारे पास गुंगी लड़की थी। क्या नाम पात्र शाम को हमें एक पता लगा था कि सरिता नाम की लड़की है जो कि गड्डी पट्टी ब्राह्मण नाम की बेटी है, और सनपेड़ा का बिरदा थी, वैसे वो गूंगी और बहरी थी, उसकी शादी 2020 में हुई थी, तो उसकी मौत हो चुकी है, तो इस पर थाना प्रबंधक महोदय मौके पर गए थे तो पता चला कि इसकी 2020 में शादी हुई थी और वो बोलने सुनने में असमर्थ थी, तो वो कुछ आरोप ये लगा रहे हैं मृतका के घर मायके वाले कि इसको इंजेक्शन गलत दिया है, गलत इंजेक्शन गांव में लगवाया, इसी कारण इसकी मौत हुई है, तो इस बाबत तो उन लोगों ने एक हमें एप्लीकेशन रात को इमूव कर दी थी, उस पर हमने दहेज मौत का पता दर्ज किया है और रेड बॉडी को पोस्टमार्टम आवास में उठा दिया गया था, आज प्रॉपर उनका पोस्टमार्टम कराया, लॉर्डशिप में पोस्टमार्टम कराएंगे और जब आगे तफ्तीश होगी तो आरोपियों को गिरफ्तार। सर किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, किसकी शिकायत पर हुआ है? पति के सास और ससुर, इसके अलावा नामालूम कोई डॉक्टर है और उसकी देरानी। और सर कौन सा इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी मौत हुई है? अब जब आगे पाइपलाइन में है इन्वेस्टिगेशन है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या बात आती है, वो तो इन्वेस्टिगेशन दौरान कुछ बताया जाएगा।